हाँ तो भाई और बहनों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे और वैसे ही मचे हुए। तो गाइस यार आज हम लोग जो है फिर से आ चुके हैं भाई हमारे GTA 5 गेम पे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। तभी तक भाई जिन्होंने इस गेम प्ले के पुराने वाले एपिसोड्स देखे जल्दी से जाओ और पिछला वाला एपिसोड देखो ताकि स्टोरी जो है गाइस आप लोग एकदम डिटेल से और बारीक जो है समझ में आती रहे। तो गाइस यार जैसे कि आप लोगों ने हमारे शॉर्ट्स वाले वीडियो में देखा ही होगा कि भाई मैं जब इस गाड़ी को पिक करने गया था भाई ग्रीन गैंग वालों के पास, तो तभी मुझे जो है वहां पे एक बैटमैन एडिशन वाली सुपर कार दिख चुकी थी। आज जो है जैसे भी करके हम लोग उस गाड़ी को चुराने के लिए जाने वाले हैं। वैसे फ्रैंकलिन को तो मैं पूछने भी नहीं वाला भाई उस गाड़ी को चुराने के लिए, क्योंकि ग्रीन गैंग का बंदा आखिर फ्रैंकलिन भी है। इसी वजह से अगर वो हमारे साथ चोरी में आएगा तो भाई ग्रीन गैंग वाले जो है उसको एकदम लात मुक्के मार के जो है अपने गैंग से बाहर कर देंगे। इसी वजह से मैं जो है फ्रैंकलिन को पूछने वाला भी नहीं हूं और सीधे जो है ट्रेवर के साथ चुपके से मैं ये चोरी को जो है अंजाम देने वाला हूँ। वैसे यार गाइस इस गेम को जो है मैंने फ्रैंकलिन बनके तो काफी ज्यादा खेल लिया है, बट आज से जो है हम लोग माइकल दादा बनके थोड़ा सा गेम खेलेंगे। आज से माइकल दादा की जिंदगी एक नए तरह से शुरू करेंगे हम लोग। चलो भाई सबसे पहले जो है यहाँ पे ये गाड़ी जो पिक करके ले आया था इसको जो है जल्दी से नीचे उतारता हूँ और इसके शोरूम में फेंक के आता हूँ भाई जल्दी से। आज से माइकल दादा भी जो है एक बिलियनियर बनने जा रहे हैं, तो एक चोरी से शुरुआत करते हैं। चोरी जो है अच्छी होती है भाई सेहत के लिए, लाइफ में करती रहनी चाहिए, बट आप लोग को नहीं करना चाहिए भाई, गेम में सही है, रियल लाइफ में मत करो, नहीं तो पुलिस जो मामूल होते हैं ना भाई आपको आएंगे एकदम डंडे वंडे मारेंगे, फिर बोलना नहीं कि भाई इसने बोला था चोरी करने के लिए। मैं तो पहले वार्निंग देखो आप लोग को मना कर रहा हूँ। तो चलो भाई अभी जो इस गाड़ी को नीचे उतारते हैं। वैसे ये गाड़ी ऐसे में ही तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है, पता नहीं यहाँ पे शायद स्पॉन्सरशिप वगैरह का स्टिकर लगवाना होगा, शायद इसी वजह से उन लोगों ने जो है हमें दिया है इसको रेसिंग एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए। चलो भाई ओ भाई यार रेडियो कौन चला के रखा है भाई, मैंने तो बंद किया था वैसे। ओके तो अभी इसको जो है नीचे उतारते हैं। और यहाँ पे ये गाड़ी मैं लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा लैम्बोर्गिनी उरुस है तो उसको उठा के लेके चला जाऊँगा मैं। और अंकल जी आप थोड़ा सा साइड दे दो, मुझे जो है एक गाड़ी रखनी है। चलो भाई साहब अभी जो इसको एकदम सही जगह से पार्क कर देते हैं, मतलब कि इसको तो कन्वर्ट करके खुद ले ही देंगे मतलब कि फ्रैंकलिन के वर्कर्स। और ओके डन भाई साहब। चलो भाई इस गाड़ी का काम तो खत्म है और जल्दी से मैं अभी जो है हमारा अभी यार इस हमर को तो देखो भाई यहाँ पे शोरूम भी जगह भी नहीं है, फिर भी देखो कितना अंदर घुसेट रखा है भाई। और यहाँ पे तो भाई बैनी वैनी अपना फुल काम वगैरह करते रहते हैं हमेशा। और पता नहीं इसके शोरूम पे भाई फोटोग्राफर्स क्यों आते हैं, मुझे लगता है ये खुद ही बुलाता होगा भाई, इतना फेमस तो है नहीं वैसे इसका शोरूम। तो चलो भाई साहब मैं जो है चुपके से अपने गाड़ी में बैठ जाता हूँ। देखो यार गाइस इसके पास गाड़ियों की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि भाई ये जो है मेरी गाड़ी को मतलब कि शोपीस की तरह लगा रखा है भाई अपने शोरूम पे। एक सेकंड यहाँ पे पीछे की तरफ लेता हूँ थोड़ा सा और ठुकठुकाना जाए, देख ही सकते हो वैसे जो गाड़ियाँ ये जो है पिक करके लेके आया था मतलब कि स्क्रैप यार्ड से, सारे के सारे गाड़ियाँ जो है इसने रिपेयर कर दिया है। और ये तो भाई साहब कॉनिसेक जस्को है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है भाई साहब। चलो भाई अभी जो है सबसे पहले एक काम करता हूँ यहाँ से निकलता हूँ ये गाड़ी को। और गाइस यार मैंने तो आप लोग को दिखाया भाई यार इस गाड़ी को मतलब कि इस ट्रक को ऐसे ही छोड़ के आ गया मैं। छोड़ो भाई बाद में ये लोग अपना जो है उतारते रहेंगे मतलब सही करके रख ही लेंगे। तो सबसे पहले जो है मुझे ट्रैवर को पिक करने के लिए सबसे पहले उसके गाँव जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है अपने गाँव में ही है। और जाके देखते हैं वैसे वो फ्री तो होगा ना भाई, उससे पहले जो है मैं कॉल कर लूँगा उसको, थोड़ा सा कॉल करके पूछ लेंगे तो भाई पता चल जाएगा कि भाई आखिर वो गाँव में है या फिर लॉस सैंटोस में है। और हाँ भाई मैंने तो आप लोग को एक मॉडिफिकेशन दिखाया नहीं भाई, मेरे गाड़ी में जो है मैंने टायर स्मोक लगवा रहा। अबे यार साले अभी ठोक देता हरामी कहीं के, तो एक सेकंड साइड में रोकता हूँ, नहीं तो ये पागल ड्राइवर्स का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी लाके ठोक देता है भाई इतनी महंगी गाड़ी पे। तो देख ही सकते हो गाड़ी यार यहाँ पे मैंने जो है टायर स्मोक लगवा रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी और एकदम बढ़िया लग रहा है भाई। छोड़ो ये तो बाद में आप लोग को दिखता रहेगा, अभी जो है जल्दी से ट्रैवर के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे जो है वो उस गाड़ी को यहाँ से वहाँ वो लोग इससे पहले बेच दे, मुझे सबसे पहले उस गाड़ी को चुराना है भाई जैसे भी करके। आज के आज वो बैटमैन एडिशन वाली गाड़ी जो है मेरी होनी चाहिए भाई एनी हाउ। तो चलो भाई सीधे जो है मैं ट्रैवर के गांव पे जाके मिलता हूँ आप सबसे। ओके तो गाइस यार यहाँ पे फ्यूल भरवाते भरवाते जो है मैंने ट्रैवर को पूछ लिया क्या कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास कोई गन नहीं है, नहीं तो अभी इसका कीमा बना के छोड़ता साले को। गाड़ी में बैठ फ्रैंकलिन, सॉरी माइकल। तो गाइस यार यहाँ पे फ्यूल भरवाते भरवाते जो है मेरे ड्राइवर से बात हो चुकी है और वो बोल रहा है कि भाई वो अपने गांव में नहीं है, वो अभी लॉस सैंटोस में है। चलो भाई सब इससे जो है मेरा फ्यूल भी बच गया और ऊपर से गाइस यार यहाँ पे टाइम भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बच गया, क्योंकि उससे पहले कि वो लोग जो है अपने गाड़ी को यहाँ से वहाँ करें हमें जल्दी से उस गाड़ी को चुराना पड़ेगा भाई साहब। तो चलो यार गाइस यहाँ पे जो है मैं ट्रैवल के मोहल्ले पे पहुँच तो चुका हूँ, बट सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पे बीच पे जाके थोड़ा सा जो है अपने लिए मास्क खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मास्क मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ड्राइवर वगैरह के लिए तो उतना ज़रूरी है नहीं। वैसे यार गाइस मैं जो है आप लोग को बोल देता हूँ कि भाई हम लोग जो है इस चोरी को तीन जन मिलके करने वाले हैं, एक तो मैं हूँ, एक ड्राइवर है और दूसरा ड्राइवर का दोस्त। चलो भाई उसको जो है बाद में पिकअप कर लेंगे, वैसे गर्मी होंगी ये दोनों शायद ऐसा लग रहा है मुझे।
और उनका घर भी यहाँ से जो है ज़्यादा दूर भी नहीं है, और पता नहीं यहाँ पे गाड़ी लाना नहीं चाहिए, बट फिर भी जो है मैं लेके आ ही जाता हूँ भाई कभी कभार, वैसे कुछ ज़्यादा ही टाइम आता हूँ यहाँ पे। चलो यार गाइस, यहाँ पे जो है मास्क की दुकान पे पहुँच चुका हूँ मैं, अभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो है फेवरेट वाला मास्क खरीदता हूँ भाई मैं, वो जो मंकी वाला होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार दिखता है, जो कि माइकल थोड़ा सा खुंदक में मतलब कि गुस्से वाला बंदा दिखता है। चलो भाई साहब, अभी जो गाड़ी में बैठते हैं, और वैसे ड्राइवर का घर यहाँ से बस कुछ ही दूर में ही है भाई, और ज़्यादा यहाँ से ड्राइविंग नहीं करना। अबे यार तुम लोग साइड दे दो ना भाई, गाड़ी आते ही सीधे एकदम कूदते लगते हैं भाई यहाँ पे। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई उसका घर? यहाँ पे थोड़ा सा शायद हमें ढूंढना पड़ सकता है। एक सेकेंड, हाँ वो राइट लेना है हमें। चलो भाई, वो रहा सामने, आप लोग को वैसे दिख रहा होगा या फिर नहीं, वैसे ये घर मैंने आप लोग को कभी दिखाया नहीं भाई ड्राइवर का। तो चलो भाई साहब, अभी जो है अपने गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, मतलब कि इसकी पार्क। अभी यार इसका कार तो नहीं है भाई यहाँ पे, वो जो खटरा सा ट्रक लेके घूमता रहता ना भाई, वो तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, पता नहीं ड्राइवर होगा या फिर नहीं घर पे। चलो जाके देखते हैं उसके घर पे आखिर वो है या फिर नहीं। ड्राइवर कहाँ है? अबे ओ भाई क्या कर रहा है? अबे यार गाइस यहाँ पे ये तो फुल भाई साहब पुशअप वगैरह मार रहा है, पता नहीं किस बात के लिए भाई, किससे झगड़ा करने के लिए जाएगा। छोड़ो भाई अभी जो है इससे बात करते हैं। ओके तो गाइस यार यहाँ पे मेरी जो है ड्राइवर से बात हो चुकी है, और इसने मुझे हमारे चोरी के लिए जो है साथ देने के लिए हाँ बोल दिया है। तो गाइस यार अभी ये बोल रहा है कि थोड़ी देर टाइम दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करके नीचे आता हूँ। और अभी जो है रॉन यानी कि हमारा तीसरा साथ, उन गैंग मेंबर्स के पास जो है तीन गाड़ियां हैं, तो एक साथ में हमें जो है तीनों गाड़ियों को चुराना पड़ेगा, नहीं तो हमारी वो जो बैटमैन एडिशन वाली गाड़ी है ना भाई, वो बाहर नहीं आ सकती। इस वजह से हमें तीनों को जाके जो है सबसे पहले तीनों गाड़ियों में बैठना पड़ेगा, और फिर जो है साइलेंटली हम लोग जो है उन गाड़ियों से बाहर निकल सकते हैं भाई, मतलब उनके अड्डे से। तो इसी वजह से अभी इसका दोस्त को वेट करते हैं, तो मैं चलता हूं भाई नीचे इसका वेट कर लेता हूं। पता नहीं कितने देर लगाया भाई, वैसे अभी उसका दोस्त नहीं है भाई, तभी मुझे लग रहा था कि भाई इसका गाड़ी कौन लेके गया है भाई, तो उसका दोस्त जो है उसकी गाड़ी लेके गया है। छोड़ो भाई, तो वैसे मैं सोच रहा हूं गाइस यार अपने गाड़ी से चले या फिर किसी दूसरे बंदे का गाड़ी टाप के चले भाई, क्योंकि मेरे गाड़ी से जाना जो है मुझे थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं लग रहा है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और एक गाड़ी का इंतजाम करते हैं जिससे कि हम जा सकें भाई साहब। A few inches later. देखो यार गाइस, इन दोनों को वेट करते करते जो है काफी ज्यादा देर हो चुका है भाई, अभी तक ना ही ट्रेवर का देखा दर्शन है और ना ही उसका दोस्त रॉन का। भाई लो भाई, ट्रेवर का नाम लिया, यहाँ पे ट्रेवर ही सबसे पहले आया, देख सकते हो भाई। तो शादी में जा रहा है क्या? पता नहीं क्या सूट बूट लगा के आ रहा है, पागल कहीं चोरी करने के लिए जा रहे हैं साले, गन हथियार वगैरह वेस्ट वगैरह पहन के आता, ये क्या साड़ी? अबे यार साड़ी नहीं भाई, ड्रेस कोट पैंट वगैरह पहन के आ रहा है भाई, शादी में जाएगा साला। तब तक जो है मैं गाड़ी का जुगाड़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखते हैं भाई इस तरफ उस तरफ, क्या पता गाड़ी का जुगाड़ हो जाए। अबे अबे ये रॉन ऐसे कैसे आ रहा है भाई? अबे इसका गाड़ी कहाँ कर दिया भाई तूने रॉन? अच्छा तो गाइस यार ये लोग जो है भाई साहब अपने गाँव से मतलब कि गाड़ी में नहीं है भाई, इस छोटे से स्कूटर में आए हैं दोनों के दोनों। पता नहीं भाई इतनी छोटे स्कूटर में कैसे दोनों फिट आ गए भाई, फिर भी छोड़ो। तो अभी मैं गाड़ी ढूंढता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे ही लेके आता हूँ चुपचाप से। यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहे भाई, आगे तो हैं बट यहाँ पे चार जनों के लिए ठीक नहीं होगा भाई वो सारे गाड़ियाँ। छोड़ो, एक यहाँ पे है, एक दूसरा वाला है, लाल वाली को पकड़ते हैं भाई, लाल वाली कुछ ज़्यादा ही जो है अट्रैक्टिव लग रही है मुझे। छोड़ो, यहाँ पे ड्राइवर तो भागते भागते आ गया, बट पता नहीं उसके दोस्त ने क्या नशा कर लिया भाई, अभी तक यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया। अबे नहीं चढ़ा रहा तेरे ऊपर, तो आके बैठना जा शांति ने। चलो भाई अभी इसके दोस्त को भी जल्दी से बिठाते हैं अपने गाड़ी पे, और गाइस यार इन लोगों के लिए जल्दी से जो है मुझे वेपन्स की जुगाड़ भी करनी पड़ेगी। वैसे ड्राइवर तो बोल रहा था कि भाई इसके पास वेपन्स वगैरह पहले से ही हैं, तो उसके रॉन के लिए थोड़ा बहुत गन वगैरह खरीदवा लेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एमुनेशन की शॉप पे चलते हैं गाइस यार, और हम सब लोग जो है एक छोटा मोटा वेपन्स खरीद लेते हैं भाई, मेरे पास जो है काफ़ी कम पैसे हैं, तो भाई देखते हैं उन पैसों के अंदर कितनी वेपन्स आती हैं। चलो अभी जो है सीधी एमुनेशन की शॉप पे जाके मिलता हूँ आप सबसे, तब तक बने रहिए भाई हमारे साथ। वैसे यार गाइस गाड़ी चूज करते वक्त ना मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर के वजह से जो है मैंने अच्छी गाड़ी को छोड़ के पता नहीं कौन सी खटरा गाड़ी है जो है पकड़ लिया भाई। चलो भाई सब, वैसे अच्छी तरह से इसने जो है हमें एमुनेशन की शॉप पे तो पहुँचा दिया है। चलो भाई गाड़ी से जल्दी उतरते हैं, वैसे यहाँ पे जो है थोड़े बहुत एमुनेशन जो है सस्ते मिल जाती है, मतलब कि बंदूकें और गन्स वगैरह। चलो भाई जाके देखता हूँ कौन कौन सी मेरे लायक में, मतलब कि मैं उनके लायक हूँ भाई वेपन्स के। अबे चुप करना तो गाइस यार, मेन तो सबसे पहले जो है मुझे एक स्नाइपर चाहिए, तो देखता हूँ अपने बजट के अंदर आता है या फिर नहीं, तो ये वाला ही खरीद लेता हूँ। तो इसमें जो है मुझे सप्रेसर वगैरह भी चाहिए, एडवांस स्पोक
सॉरी स्पोक नहीं यार गाइस, स्कोप और कुछ नहीं भाई। तो यहाँ पे थोड़े से गोलियां वगैरह भी खरीद लेते हैं, चलो इतना काफी होगा। और हाँ भाई, अजल्ट राइफल ये वाला खरीदूं क्या? ये वाला जो सबसे महंगा वाला और अपने बजट के अंदर आए, तो भाई यही खरीद लेता हूँ। इसको जो है परचेस करते हैं, और इसके सबसे पहले जो है गोलियां वगैरह खरीद लेते हैं, अटैचमेंट लगा लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे जो है स्कोप चाहिए और एक सप्रेसर चाहिए, जिससे कि जो है मैं क्लीन शॉट ले सकूं। और यहाँ पे ग्रिप वगैरह भी खरीद लेते हैं, एक्सटेंडेड क्लिप। ओके डन भाई साहब, ये जो गन है मेरे लिए रेडी हो चुका है। और हाँ भाई, अब यहाँ पे जो है हमें एक वेस्ट भी चाहिए था, सुपर हैवी आर्मर वेस्ट। और हाँ गाइस यार, यहाँ पे एक पिस्तल भी ले लेते हैं, तो सबसे महंगी वाली ये लग रही मुझे, 4000 वाली। नहीं, सप्रेसर वगैरह लगवा लेते हैं, जैसे पिस्तल में कुछ ज्यादा ही खर्चा करवा लिया शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो गाइस, यहाँ पे जो है हम लोग पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, मतलब कि उस गाड़ी को चुराने के लिए जाने के लिए। तो चलो भाई, तुम लोग जाओ जल्दी से गाड़ी में बैठो। और इन लोगों ने भी थोड़े बहुत वेपन्स वगैरह खरीद लिए हैं, वैसे पैसे मैंने भी जो है दिया है इनको, क्योंकि बाद में जब हम लोग उस गाड़ी को बेचेंगे तो वहां से इनको जो है कोई कट नहीं दूंगा भाई। मैं चुपचाप अपने पास ही रख लूंगा सारे पैसे, बस दे दूंगा थोड़े बहुत पैसे, कुछ ज्यादा बुरा ना माने इसी वजह से। चलो यार गाइस, अभी जो है सीधे अपने लोकेशन पे ही चलते हैं। चलो भाई, यहाँ पे हम लोग जो है उनके इलाके पे पहुँच चुके हैं, तो जल्दी से जाके जो है हम तीनों को सबसे पहले उन गाड़ियों में बैठना पड़ेगा। और सबसे पहले वाला गाड़ी में जो है हमारा ड्राइवर बैठेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूंदक में है भाई, इन गैंग मेम्बर्स का कीमा बनाने के लिए। चलो भाई साहब, अभी जो है चुपचाप हमें जो है कोई काम नहीं करना, और ज़्यादा फाइट भी लेना नहीं है, बस जुगाड़ के लिए मैंने जो है कुछ हथियार ले रखे हैं, क्योंकि अगर कहीं पर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो वेपन्स जो है काम आ जाएंगे। तो चलो भाई, यहाँ पे इस वाली गाड़ी को यहीं पे रख देते हैं, और अभी हम तीनों चलते हैं भाई। तो सबसे पहले जो है हमें उस जगह पे जाना पड़ेगा, यानी कि हमारे शॉर्ट्स वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक छोटे से जगह से मैंने जो है रास्ता ढूंढते हुए वहाँ से एंटर किया था, और उनकी गैंग बेस से पता लगाया गया था कि भाई इनके पास जो है कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो ठीक उसी रास्ते पर मुझे जो है फिर से अभी जाना पड़ेगा, और हम तीनों को एक ही साथ, मतलब कि तीनों के तीनों गाड़ियों में बैठना है, और बिना किसी को देखे भाई साहब पूरा का पूरा फुल रेस देखे जो है यहाँ से निकल जाना है। तो यहाँ पे कैसे ऊपर चढ़ूँ भाई, ये रहा वो रास्ता। ओके चलो भाई साहब, यहाँ पे जो है मैं ऊपर आ चुका हूँ। और वो लोग कहाँ गए भाई? अबे तुम लोग भागते भागते साथ में आ जाओ तुम लोग एक बार के लिए। चलो भाई साहब, यार यहाँ पे तो काफ़ी सारे बंदे हैं भाई, थोड़ा सा छुपते हुए जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, अबे यहाँ पे वो गाड़ियाँ थी कहाँ चली गई भाई? गाइस यार, यहाँ पे जो है मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला स्कैम हो चुका है, और तुम लोग कहाँ आ रहे हो पागल सालो? नीचे चलो, देख लिया तो खामा का पंगा शुरू हो जाएगा। चिल्लाओ मत, यहाँ पे साइलेंट रहो, वो बंदा जो है पिस्तल लिए खड़ा है, तुम्हारा भेकड़ी निकाल देगा सालों। गाइस यार, यहाँ पे कोई गाड़ी तो है ही नहीं भाई, थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं, क्या पता आगे हो इनकी गाड़ियाँ जो है। एक सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये जो पार्किंग लॉट है ना, इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, और फिर जो है जाके देखते हैं कि भाई आखिर वो गाड़ियाँ हैं कहाँ पे। चलो यहाँ पे नीचे चलते हैं। अभी आ जाओ भाई सालों, मेरे साथ आओ तुम लोग। गाइस यार, यहाँ पे जो है मेरे साथ काफ़ी खतरनाक वाला गंदा वाला भाई स्कैम हो चुका है। पता नहीं यार गाइस, मैंने वो सब गाड़ियां जो है अभी तो देख के गया था, बट थोड़ी देर बाद यहाँ पे आने के बाद देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पे कोई गाड़ी है ही नहीं गाइस यार। अच्छा यहाँ पे एक तो गाड़ी है, बट अबे यार यहाँ पे छुप जाता हूँ भाई सबसे पहले, पता नहीं वो। अबे यार तुम लोग क्यों आगे, तुम लोग जो है साइड में रुक जाओ। ओके तो गाइस यार, यहाँ पे भी देख ही सकते हो, मतलब कि इनके पास कोई गाड़ी है ही नहीं भाई, और सामने ऑब्वियसली मुझे लग ही रहा कि भाई कोई गाड़ी होगा ही नहीं, तो इसी वजह से और ज़्यादा झांकने की कोई जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है भाई। देख ही सकते हो इतने सारे बंदे हैं भाई, क्या करें यार गाइस, अभी तो मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा कि कैसे उन सब गाड़ियों के बारे में जो है पता लगाएं भाई। Many hours later. देखो यार गाइस, मैं जो है यहाँ पे गाड़ियों के बारे में पता लगाने के बारे में सोच भी रहा होता हूँ कि तभी यहाँ पे जो है कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, और आगे भी कुछ एक गाड़ी का गेट खुला। गाइस यार, यहाँ पे जो है मुझे लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो दिख चुकी है। चलो भाई साहब, ये लोग जो है उसको भी शायद बेचने के लिए जा रहे हैं, तो अभी बिना किसी देरी के चलते हैं भाई, अपने गाड़ी में बैठते हैं और उन सब गाड़ियों को पीछा करते हैं भाई। मुझे ज़रूर से पता है कि भाई वो लोग जो है उस टायर्सों के भी जो है बेचने के लिए जा रहे हैं। चलो भाई, मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल भी देरी करना नहीं चाहूँगा, और जल्दी से चल के जो है उस गाड़ी में बैठता हूँ, ताकि उस टायर्सों का जो है पीछा कर सकूँ भाई साहब। तो गाइस यार, अभी जो है जल्दी से हमें उस वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा। ये रहा भाई हमारा गाड़ी, तुम दोनों भी आ जाओ। पता नहीं भाई यार वो लोग किस तरफ चले गए, आपको पास मुझे जो है गाड़ी लेके जाना पड़ेगा जल्दी से करके। यार पीछे लेता हूँ जल्दी। और गाइस, अबे यार कहाँ घुस के आ रहे हो बे साले, गाड़ी में बैठो जल्दी। अबे यार बैठो ना भाई, दौड़ दौड़ के बैठो ना साले। ओके तो गाइस यार, यहाँ पे हम लोग जो है सारे के सारे गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी बस मुझे देखना ही है कि वो लोग ज्यादा दूर ना गए हो भाई। अगर दूर चले गए होंगे तो यहाँ पे मुझे जो उनको ढूंढना काफी ज्यादा दिक्कतमंद साबित हो सकता है। तो ये रहे भाई, अच्छा हुआ कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं गए। चलो भाई साहब, यहाँ पे ये लोग चलो बात अच्छी है कि मेरे लिए ये लोग धीरे ही जा रहे हैं यहाँ पे, नहीं
नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, और ये लोग जो है ज़्यादा ही स्पीड चले जाते तो भाई साहब। तो अभी मुझे जो है थोड़ा सा पीछे पीछे रह के चलाना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, नहीं तो इन लोग को जो है शक हो सकता है भाई। अगर शक हो गया तो भाई ये लोग जो है जहाँ पे इनको जाना था वो लोग नहीं जा पाएंगे, और फिर जो है मुझे पता नहीं चल पाएगा कि भाई आखिर इन लोगों ने जो है वो बैटमैन एडिशन वाली गाड़ी किसको बेची है। मुझे जो है इनमें से एक बंदे को जो है किडनैप करके लेके आना पड़ेगा, ताकि इनसे जो है मैं पता कर सकूँ कि भाई आखिर वो जो बैटमैन एडिशन वाला गाड़ी है किसको बेचा है भाई। तो अभी जाते हैं भाई और थोड़ा सा जो है सुनसान इलाका भी देख के जो है इन सबको किडनैप करते हैं। एक इनमें से एक भी चाहिए होगा, मतलब कि दोनों में दोनों ड्राइवर तो पक्का ही होंगे, और पैसेंजर्स के बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। लैम्बोर्गिनी में कितने बैठे हैं और उस छोटे वाली गाड़ी में कितने बैठे हैं, छोड़ो भाई वो लोग जो है आगे आगे जा रहे हैं। देखते हैं भाई कितना दूर जाते हैं ये लोग वैसे। 2000 years later. ओके तो गाइस यार इन लोग का पीछा करते करते जो है यहाँ पे देख ही सकते हो, मतलब कि पूरी तरह से शाम हो चुकी है, और अभी ये लोग जो है आगे आके मतलब कि लेफ्ट मुड़ चुके हैं भाई, पता नहीं किस बात के लिए। अच्छा तो यहाँ पे ये लोग जो है अपना कुछ डीलिंग वगैरह करने के लिए आए होंगे, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने गाड़ी को जो है, ये लोग उस तरफ तो जा रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बंदे हैं भाई, यहाँ मैं थोड़ी देर भी रुकना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बंदे जो हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है भाई सब के सब, इस वजह से वहाँ पे देखना थोड़ा सा जो है मुझे दिक्कतमंद साबित हो रहा था। तो मैं काम करता हूँ कि भाई अंदर की तरफ घुस जाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी इस गली के अंदर घुस के देखूँ क्या, और तभी थोड़ा सा शायद कुछ जो है पता वगैरह चल सकता है, क्योंकि मुझे जो है वहाँ पे थोड़ा सा झांकना पड़ेगा कि आखिर ये लोग करने क्या गए हैं भाई। कुछ बंदे वैसे उतर के गए तो हैं मतलब कि आगे की तरफ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे उतर जाता हूँ। चलो भाई गाड़ी को मैंने जो है एकदम सही जगह पार्क कर दिया है, और अभी जाके देखते हैं कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अपना स्नाइपर निकाल लेता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा सा जो है झांक सकूँ भाई उस तरफ। अबे 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 भाई 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 भाई, चलो भाई साहब अभी जो है मैं थोड़ा सा उस तरफ जो है जूम करके देखता हूँ, बस किसी की नज़र ना पड़ जाए भाई यहाँ पे। तो ये रहा है भाई मतलब कि यहाँ पे दो ड्राइवर जो कि बैठे थे, और ये रहा भाई लैम्बोर्गिनी टेरसो। और गाइस यार यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे जो है फरारी भी है गाइस यार, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। और एक बंदा जो यहाँ पे टेरसो के पास जो है वेट कर रहा है, मतलब कि वेपन्स लेके, और इसके बाकी के बंदे शायद यहाँ पे जो है डील करने के लिए गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे एक बंदे को टपली बजा के जो है उसको अपने गाड़ी में किडनैप करके लेके चले जाएंगे भाई हम लोग। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, अपने गाड़ी को जो है यहाँ पे लेके आता हूँ, और एकदम सेटिंग से भाई उसका गेट खोल के रखूँगा यहाँ पे। तो चलो भाई गाड़ी को लेके आते हैं यहाँ पे। अबे तुम लोग कहाँ चले गए, बस यहाँ पे जो है कोई दिक्कत ना हो जाए भाई साहब। तुम लोग रुको जरा, मैं एक काम करता हूँ अपने गाड़ी को यहाँ पे जो है लगा देता हूँ पीछे करके। चलो भाई अभी जो है यहाँ पे सेटिंग्स इसको पीछे करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अबे यार ठोक दिया भाई मैंने, ठोक दिया। रुको ना भाई, तुम लोग थोड़ा चल के आओ ना भाई, यहाँ पे गाड़ी का कचूमर बना रहा हूँ मैं। हाँ ये कर लो पहले। हाँ तुम लोग बैठ लो भाई, बैठ लो पहले। चलो भाई साहब यहाँ पे जो है मैं एकदम सही जगह पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे अपना गाड़ी गेट जो है मतलब कि पीछे का ट्रंक उसको खोल के रखता हूँ, जिससे किसी को पता भी ना चले और यहाँ पे मेरा काम भी हो जाए भाई। भाई भाई ये लोग मुझे ना देखे बस। ओके तो भाई साहब यहाँ पे जो है मैंने गाड़ी का गेट तो खोल दिया है, अभी बस यहाँ पे जस्ट नॉर्मली चल के जाते हैं, और भाई अभी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बंदे हैं भाई अभी। तो थोड़ा सा जो है वेट कर लेते हैं, अभी यहाँ पे छुपने वगैरह काम नहीं करता हूँ मैं। यहाँ पे इस घर के अंदर घुस के थोड़ा सा जो है मैं देखने की कोशिश करता रहता हूँ कि कब लोग यहाँ पे जो है मामला थोड़ा सा खाली होता है, और कब हम लोग जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर रॉन क्या कर रहा है भाई, तू अंदर आना है तो अंदर आ जाना भाई, बाहर क्या करने गया है। 2000 years later. तो देखो यार गाइस अभी जो है काफी ज्यादा देर यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ के बंदे जो है थोड़ा सा जो है अंदर चले गए हैं, देख ही सकते हो, मतलब कि अभी बाहर जो है कोई भी नहीं है। तो मैं काम करता हूँ भाई, अभी थोड़ा सा जो है उनके और करीब चलता हूँ। अबे तुम दोनों जो है यहाँ पे रुके रहना, और जब तक मैं कोई इशारा ना दूँ तब तक कोई जो है एक्शन मत लेना भाई। ओके तो गाइस यार इन दोनों को तो मैंने जो है अच्छे से समझा दिया है, और अभी मुझे थोड़ा सा जो है मतलब कि संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्मल पेडेस्ट्रियन भी हैं, ये लोग को भी शक हो सकता है, इसी वजह से थोड़ा सा जो है आराम आराम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे चलना है कि भाई मुझे जो है एकदम नॉर्मल बंदे की तरह यहाँ पे जो है चलते जाना है, और जाके थोड़ा सा जो है सीन को देखता हूँ कि भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे ना गाइस यार यहाँ पे मुझे फरारी तो कंफर्म हो चुकी है, वो तो दिख रहा है भाई बहुत ही अच्छी तरह से।
बट यहाँ पे जो है पता नहीं यार कैसे मैं उस बंदे को एक जो है टपली बजा के उसको बेहोश करके हमें जो है अपनी गाड़ी में लदना है। देख ही सकते हो मतलब कि वो जो गाड़ी मैंने खोला है भाई, तो ये लैम्बोर्गिनी के आसपास जो बंदा है ना भाई उसको एक टपली बजाना है जैसे भी करके। तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे यार गाइस मैंने जो है यहाँ पे डंडा तो निकाल लिया है, अभी बस मुझे देखना ये है कि भाई मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि ये अभी जो है सारे के सारे बंदे इसी तरह ही देख रहे हैं। देखो यार गाइस मैं तो यहाँ पे सोच ही रहा था कि भाई आखिर करूँ क्या, यहाँ पे ड्राइवर ने पता नहीं किस बात के लिए बरसाना शुरू कर दिया है ट्रेवर और रॉन ने। तो चलो भाई अभी जो है इनसे एक ही रास्ता है कि भाई इनसे लड़के हम लोग जो है यहाँ पे गाड़ी को लेके जा सकते हैं यहाँ से। तो गाइस यार यहाँ पे जो है मैं बस सोचने ही वाला था बस कि यहाँ पे जो है ड्राइवर ने जो है पूरा का पूरा धूमधाम मतलब कि सबको जो है यहाँ पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। देख ही सकते हो मतलब कि मामला जो है काफी ज्यादा बिगड़ चुका है यार गाइस यहाँ पे। तो अभी जो है हम भी रुकने वाले नहीं है, अभी जो है सबको मार के ही निकलते हैं भाई यहाँ से, मतलब कि सबको मारना है और यहाँ से सारी की सारी गाड़ियों को निकल जाएंगे भाई हम लोग। यहाँ पे भी एक था, चलो भाई यहाँ पे ड्राइवर तो बहुत ही अच्छी खासी मतलब कि गोलियां वगैरह बरसा रहा है, बट रॉन का मुझे पता नहीं भाई, वो तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। एक जो है अभी भी जिंदा है, ये आंटी आंटी थी भाई। गाइस यार यहाँ पे करने क्या आया था मैं पता नहीं किस बात के लिए यहाँ पे लड़ लिया खामखाई, मतलब कि इन ड्राइवर और रॉन की वजह से ना हमेशा मुझे फंसना ही पड़ता है। तो गाइस यार मैं जो है यहाँ पे दो बंदों को ढूंढने आया था, तो ये रहा भाई एक ड्राइवर और दूसरा एक ड्राइवर था जिसको कि मुझे यहाँ से लेके जाना था, बट अभी जो है लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये सारे के सारे जो है यहाँ पे अभी मर चुके हैं। तो गाइस यार यहाँ पे इससे पहले कि पुलिस वगैरह का मामला शुरू हो मैं काम करने वाला हूँ भाई, अभी सारे के सारे गाड़ियाँ लेके जो है यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी जो है यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बंदे जिंदा हैं भाई, तो इनको जो है मार के ही निकलते हैं, चुपचाप जो है इनको मार देता हूँ। और भाई सभी जो है अपने बिल से बाहर निकल निकल के आ रहे हैं, देख ही सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे कवर चाहिए मुझे। चिंता मत करो सबको जो यहाँ पे गोली मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, गोली का फ्री पॉइंट का सबको मिलेगा भाई यहाँ पे। भाई और भी ज़्यादा जो है बंदे यहाँ पे भागते भागते आ चुके हैं, एक एक करके सबको मार देता हूँ और निकलता हूँ भाई यहाँ पे, गाड़ी लेके ही निकल जाऊँगा मैं इससे पहले कि और भी ज़्यादा बंदे आए। सबको मारते हैं भाई, पता नहीं कौन यहाँ पे काफ़ी देर से मुझे मार रहा था। यहाँ पे ये दो आंटी जो आई थी शायद यहाँ पे सबको जो है मैंने मार दिया भाई। अभी तो कितने सारे बंदे पता नहीं भाग भाग के आए थे भाई, इनका इलाका ख़त्म करके जाने वाला हूँ। वैसे मुझे दूसरे बंदे का डेड बॉडी तो अभी शायद नहीं दिखा है भाई, क्या पता वो जो है जिंदा हो। यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढ़ान लेते हैं, वैसे भी फाइट तो ले ही लिया है, पूरा करके ही जाऊंगा यहाँ से फाइट। छोड़ो भाई यहाँ पे तो और कोई नहीं दिख रहा मुझे, रॉन शायद कहीं भी जो है छुप के रह चुका है भाई। तो चलो भाई साहब यहाँ पे जो है हमने सारे बंदों को तो मार दिया है। चलो भाई ड्राइवर तू जो है अभी फरारी लेके आ और मैं जो है अभी टेरसो पे बैठ के निकलता हूँ भाई यहाँ से, और रॉन जो है एक और गाड़ी पकड़ लेगा। चलो भाई साहब अभी जो है टायर जो है मैं तो बैठ चुका हूँ। देखो यार गाइस यहाँ पे ये शूट आउट की वजह से ना अभी जो है पुलिस वालों का भी झमेला शुरू हो चुका है, देख ही सकते हो मतलब कि अभी पुलिस वाले जो है यहाँ पे अपनी हेलीकॉप्टर्स वगैरह लेके जो है पहुंच चुके हैं। गाइस यार इन गैंग मेंबर्स तक तो मामला ठीक था, बट अभी जो है पुलिस का भी यहाँ पे जो है झमेला शुरू हो चुका है जो कि मुझे काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है। वैसे ट्रेवर और रॉन तो दो गाड़ियों को लेके जो है अपने अड्डे पे पहुंच ही जाएंगे, मुझे बस पुलिस वालों से यहाँ पे सेपरेटली अपने आप को जो है पीछे छुड़ाना पड़ेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। गाइस यार इस सीन को मैं जो है काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा कि मेरे पास जो है एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कार है और आगे से भाई साहब मेरे सामने जो है काफ़ी सारी बहुत ही तगड़ी वाली पुलिस फोर्स पड़ी हुई है भाई, पूरे लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी ज़्यादा और ख़तरनाक वाली पुलिस फोर्स। चलो भाई इससे ज़्यादा चैलेंजिंग और क्या ही हो सकता है, तो आज जो है चैलेंज को पूरा कर ही लेते हैं। तो मेरे ऊपर जो है काफ़ी सारे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे आज मुझे जो है अपने लैम्बोर्गिनी को भगाने पे ही ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो भाई साहब यहाँ पे जो है मैंने हाईवे का मार्कर तो लगा दिया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी जो है अपने गाड़ी को भगाना है भाई बस हाईवे तक, जिससे कि मैं जो है वहाँ पे कुछ ज़्यादा तगड़े कट वगैरह मार के जो है इन पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ा सकूँ। भाई साहब पुलिस वगैरह पता नहीं क्या ही खतरनाक वाले वेपन्स वगैरह भी छोड़ रहे हैं भाई। और गाइस यार वैसे हमें लैम्बोर्गिनी तो मिल चुकी है, बट एक दिक्कत की बात ये होगी कि भाई मुझे जो है बैटमैन एडिशन वाली गाड़ी का पता नहीं चल पाया, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं जिस बंदे को कूट के मतलब कि उस गाड़ी के बारे में पता लगाने वाला था वो जो है मर चुका था, इसी वजह से अभी नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखेंगे भाई। बट अभी तो मुझे जो है ये लैम्बोर्गिनी को सेव करना है, नहीं तो ये पुलिस वाले पकड़ के जो है लेके चले जाएंगे भाई इस गाड़ी को, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। भाई साहब इतनी मेहनत करके जो है मैंने इस गाड़ी को चुराया है, इसी वजह से मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए भाई, अभी जो है मेरे ड्राइविंग स्किल पे ही जो है पूरा का पूरा चोरी मैटर करता है। तो चलो भाई अभी जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आराम आराम से अपने गाड़ी को भगाएंगे। वैसे टर्निंग्स और मोड़ों पे जो है मुझे थोड़ा सा अपने गाड़ी को स्लो करना करते रहना पड़ेगा। और चलो भाई अभी जो है पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा भगा के देखते हैं, वैसे
हमारे लैम्बोर्गिनी तो चढ़ जाएगी भाई आराम से, बट पुलिस वालों का वैन जो है वो पहुंच नहीं पाता। बस एक दिक्कत है तो भाई, बस हमारा जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है ना भाई, उनका ही एक दिक्कत है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनके विजन से थोड़ा दूर तो आ चुका हूँ। एक काम करता हूँ भाई, इस वाले ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, बस हेलीकॉप्टर ना देख ले भाई। हेलीकॉप्टर साला ऊपर आँख मतलब कि कहीं भी घूमते रहता है। चलो भाई, पता नहीं ये किस तरफ आ गया मैं, फिर से घूम घाम के एक गलत ही डायरेक्शन। अबे देख लिया भाई, देख लिया किसी ने। छोड़ो भाई, एनी हो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लैम्बोर्गिनी मेरे हाथ से जाएगी भाई साहब। वैसे होप करता हूँ कि भाई ट्रेवर और रोहन वगैरह भी बच गए हों पुलिस से, नहीं तो उनकी भी गाड़ी वगैरह जो है जब्त कर ली जाएंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा भाई। आज पहले दिन ही हमारी चोरी के दिन, मतलब कि ऐसा कांड करना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा तो खाली है ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा छुपा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती भाई, थोड़ा सा इसका ग्राउंड क्लियरेंस और ऊपर की तरफ होता तो भाई साथ बच सकता था मैं। बट यार गाइस, इस गाड़ी को जो है जो भी इसका मालिक होगा भाई, उसने शायद पूरी तरह से 100% जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आर्मर्ड करवा रखा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ठुकने के बाद भी देख ही सकते हो मतलब कि गाड़ी भी उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा भाई। वैसे पुलिस वालों को मैंने कुछ जो है चकमा तो दे दिया है, क्योंकि वो लोग जो है भागते भागते यहाँ से जा चुके हैं। और चलो भाई साहब, यहाँ से पुलिस से भी मैंने जो है पीछा छुड़ा लिया, बट अभी जो है मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। चलो यार गाइस, मैंने जो यहाँ पे गाड़ी को सही से बैक तो कर लिया, मतलब रिवर्स कर लिया है, अभी बस मुझे टेढ़े तरीके से थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा इस गाड़ी को। अबे यार, सीधे तो बिल्कुल चढ़ने वाली है नहीं। एक काम करते हैं भाई, वैसे इतना ज़्यादा ठुक तो चुकी है, पैसा तो खर्चे होने ही हैं, तो इतना ज़्यादा भी क्या केयर करना। तो चलो भाई, वैसे इसका नियॉन लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, नियॉन लाइट नहीं क्या बोलते हैं भाई इसको, छोड़ो वो जो लाइट होगा वो बाद में पता चल ही जाएगा भाई आप लोग को। अभी तो मैं चलता हूँ भाई, इस गाड़ी को जल्दी से जो है रिपेयर करता हूँ। वैसे लॉस सैंटोस कस्टम्स जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मैं काम करूँगा भाई जल्दी से। बस वैसे लैम्बोर्गिनी से तो वक्त लगने वाला है ही नहीं भाई, ऊपर से यहाँ पे पुलिस वालों का भी झंझट जो है ख़त्म हो चुका है। और चलो भाई, बाद में इसका कलर वलर चेंज करवाएंगे, बट अभी तो मैं सबसे पहले इस गाड़ी को रिपेयर करके देखना चाहता हूँ कि भाई पूरी तरह से रिपेयर होने के बाद गाड़ी कैसी लगती है। और हाँ भाई, इसका जो है मैक्स स्पीड भी टच करने के देखना चाहता था, बट अभी तो नहीं कर सकते, और लाके जो है मैं इस गाड़ी को अपने घर पे ही रख दूंगा। वैसे ट्रेवर और हमारा जो रॉन था, यानी कि हमारे दो साथी वगैरह थे ना जिनके साथ हम चोरी करने के लिए गए थे, वो तो अपना पहुंच जाएंगे अपने अड्डे पे। वैसे वो लोग को जो है मैंने एक अड्डा बोला था, वहाँ पर वो लोग जाएंगे, मैं तो अपने गाड़ी को यहीं पर रिपेयर कर लूँगा। ओ भाई, लो यार गाइस, हम लोग जो है पहुँच चुके हैं भाई हमारे ये डेस्टिनेशन पे, यानी कि लॉस सैंटोस कस्टम्स से। तो अभी जो है मैं इस गाड़ी को रिपेयर कर लेता हूँ, और हाँ भाई थोड़ा सा ना अपग्रेड भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास खामखा के फालतू के पैसे भी कुछ पड़े हैं। वैसे फालतू के नहीं भाई, गाड़ियों में खर्च करने के लिए मैं जो है हमेशा बचाए रखता हूँ भाई पैसे वगैरह को। ओके, अभी जो है पहले तो रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आर्मर तो भाई पूरा का पूरा 100% आर्मर करवाना है। इसी वजह से ही जो है ये गाड़ी अभी तक मतलब कि मेरा इतना साथ दे पाई भाई, नहीं तो नियॉन लाइट वगैरह तो पहले से हैं, हेडलाइट ये तो सब सही है। हाँ, ये वाला रहने दो। ओके, और कलर तो मुझे चेंज नहीं करना, टर्बो लगवा लेते हैं भाई, टर्बो ट्यूनिंग। चलो भाई साहब, इसके बाद चला के देखेंगे। और हाँ भाई, मैं सोच रहा हूँ इसको जो है पूरी तरह से उसके विंडोज़ वगैरह को ब्लैकआउट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस यार, यहाँ पे मैंने जो है अपने गाड़ी को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया, देख सकते हो भाई साहब, फाइनली आउटपुट जो है कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। तो चलो भाई, यहाँ पे जो है मैंने अपना घर का मार्कर तो लगा दिया है, अभी इस गाड़ी को भगाते जो है मुझे अपने घर पे पहुंचना है भाई। नेक्स्ट वाले एपिसोड में इसका मैक्सिमम स्पीड टच करेंगे। वैसे गाड़ी को मैंने फुल्ली अपग्रेड करवा दिया भाई, जो कि मेरे पास उतने सारे पैसे बचे थे। क्या कर रहा है भाई तू, जाना है तो जा, पता नहीं भाई अलग ही नशे में बंदा। छोड़ो भाई, अभी जो है अच्छा हुआ ही ठुका नहीं, ओ भाई ठुका नहीं बोला, अभी ठोक दिया साले ने भाई। इसको पीटू क्या भाई? नहीं यार, अभी पुलिस से पीछा छड़वाया, फिर से झमेला शुरू हो जाएगा। वैसे मैं जो है रॉन्ग लेन में चला रहा था, इसी वजह से गलती तो मेरी है। तो चलो भाई, यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर पे। ओ भाई, इसका क्या साउंड है भाई साहब। अभी मैं घर के अंदर लेके थोड़ा सा अपने गैरेज में, ओह शिट गाइस यार माफ़ कर दो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट के चक्कर में जो है गाड़ी ठुकठुका जाती है कभी कभार। वैसे सुबह होती है तो फिर रिपेयर करवा ही लेंगे भाई। इसके लाइट कुछ ज़्यादा ही तगड़ी लग रही है भाई। तो गाइस यार, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्रैकलिंग निकाल के देखें। ओ भाई, इसके स्मोक वगैरह, इसका साउंड सब कुछ एकदम प्यारा है भाई। चलो, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ठोक दिया, छोड़ो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है।
वैसे यार गाइस ये घर जो है मैं आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में दिखाऊंगा। और गाइस यार आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जो है शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय गाइस।